इन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे एसएन टू पॉजिटिव, जब डाइक्रोमेट आएगा तो टिन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अब आपको ये पता चल गया कि डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और खुद किस में रिड्यूस होता है, ये क्रोमियम थ्री पॉजिटिव। ये बहुत सारी रिएक्शन करोगे क्लास 12th में डाइक्रोमेट से। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टिन फोर पॉजिटिव में मिलेगा, टिन फोर पॉजिटिव में, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अब आपने इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। तो पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, जल्दी बता दो मुझे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का हाईएस्ट कितना है इस टाइम, मैंगनीज का, मैंगनीज का कित, सॉरी क्रोमियम का कितना है, मैंगनीज प्लस बेटे मैग्नीज का जो है प्लस 7 होता है, क्रोमियम का प्लस 6 होता है, याद रखो हाईएस्ट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का प्लस 6 है, 6 है, 6 है, और ये आपको एवं याद होना चाहिए यार भाई, निकालना नहीं है इसको। टू नेगेटिव के गया ना आगे, दो के निकले हुए हैं, ये यहां से आया है, ये के हम नहीं दिखाते क्योंकि के को कुछ नहीं हो रहा, के ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, रिड्यूस नहीं हो रहा, हम सिर्फ डाइक्रोमेट आयन उठाते हैं इसमें से, और डाइक्रोमेट आयन में पॉजिटिव 6 से पॉजिटिव 3 में चला जाता है क्रोमियम, तो खुद वो क्या हो जाता है, रिड्यूस, और दूसरे को क्या कर देता है, वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं। चलो बनाओ फिर, दो सेल्स बनाओ, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, और ये क्या हो गया बेटे, रिडक्शन हाफ सेल। हरी अब हो गया, अब दो सेल बन गया आपके, ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है, ये इससे ये बन रहा है, और इससे दैट इज ये किस में है, 6 पॉजिटिव में, ये क्या बन रहा है, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे, कहाँ क्या होता है, वहां पे जाके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे कि 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव बना, करवाओ फिर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखो, इसमें से लॉस हुए तो कहाँ आ गए, प्रोडक्ट की साइड, आप अलग से लिखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव 6 से पॉजिटिव 3 गया है तो ये क्या हो है, रिड्यूस, मगर एक पॉजिटिव 6 से एक पॉजिटिव 3 गया है, तो ऑक्सीजन के अलावा हमने सब पहले बैलेंस करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी गिवन है उसको बैलेंस करो पहले, इधर तो पहली बैलेंस था, इसको तो हमने हाथ नहीं लगाया, इसको बैलेंस किया। ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव 6 से पॉजिटिव 3 गया है तो इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 3। अगर 2 पॉजिटिव 6 से पॉजिटिव 3 गए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन गए हैं, 6। क्या जहां इलेक्ट्रॉन ऐड करे हैं वहां पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन का, डाइक्रोमेट के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, 2, मतलब टोटल 8 नेगेटिव, इधर इस क्रोमियम के ऊपर कितना पॉजिटिव है, कितने क्रोमियम है, 6 पॉजिटिव हो गया, 8 नेगेटिव उधर, 6 पॉजिटिव उधर, हमने बैलेंस करने हैं H+ के साथ, कितने H+ ऐड करोगे,
एक दिन में ही साफ हो गए बेटे। मैं अगर एक आपको बैलेंस दे दूं, एक बैलेंस दे दूं, मैं बोलूं कि यहाँ पे कितने नेगेटिव है, आपने उतने नेगेटिव के साथ उतने पॉजिटिव बैलेंस करने हैं, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं 8H पॉजिटिव, तभी बैलेंस हुए 8H पॉजिटिव हुए, ये तो यहाँ ही डिडक्ट, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ये खत्म होगी, समझो इस बात को। मगर इधर जो ये 6 पॉजिटिव पड़े हैं ये बैलेंस करें आपने, तराजू तो यहाँ ही वेइंग बैलेंस, यहाँ पॉजिटिव की तरफ नीचे चला गया, पॉजिटिव कहाँ बैलेंस हुए हैं, हुए कि नहीं हुए, समझ आई? ये तो आपने नेगेटिव के साथ पॉजिटिव उसको बैलेंस आउट कर दिया, अगर 8 नेगेटिव इधर है तो 8 पॉजिटिव करके इस तरफ आपने न्यूट्रल कर दिया सब कुछ, ठीक है? मगर अगर इधर 6 पॉजिटिव है, क्या इधर न्यूट्रल करे कुछ उसकी? अगर यहाँ पे 6 एप्पल्स हैं तो यहाँ पे 6 एप्पल्स नहीं ऐड करने, तो टोटल कितने हो गए, 6 प्लस 8 करो 14 ऐड, एक ही दिन में साफ हो जाते हो आप, हो गया 14। जनरली हम कितने वाटर ऐड करते हैं, हाफ, तो अगर यहाँ पे 14H+ ऐड हुए हैं तो यहाँ पे 7, क्या देखो इक्वेशन बैलेंस हो रही है, होगी। अब ऊपर वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली में कितने हैं, तो अगर उसको 6 बनाना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई। हाँ जी, यहाँ पे ना नेगेटिव चीज पड़ी है, ये 2 लाइन एक वेइंग बैलेंस है, ये 2 लाइन वेइंग बैलेंस का दूसरा है, यहाँ पे वेट्स रखते हो, यहाँ पे एप्पल्स रखते हो, ठीक है? यहाँ पे अगर 6, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 बेंच है, अगर यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, तो उतनी आपको यहाँ पे पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे कि आप उसको इक्वल करो, बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? अब यहाँ पे तो हमने बैलेंस कर दिए, अब ये इक्वल टू है बीच में, यहां पे मगर अभी 6 पॉजिटिव पड़े हैं, इन 6 पॉजिटिव को अपने 6 पॉजिटिव और ऐड नहीं करवाने पड़ेंगे, समझ आ गई? अगर एक साइड जितनी नेगेटिविटी है उसको बैलेंस करने के लिए आपने उतनी पॉजिटिविटी ऐड करी, पर इक्वल टू की उधर जितनी पॉजिटिविटी है इक्वल टू के इधर भी तो उतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तभी तो सारी पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस होंगे। अगर आप खुद देखो, अगर आपने यहाँ पे 8 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 8 पॉजिटिव ऐड करे, तो अगर इक्वल टू के इधर 8 पॉजिटिव ऐड करे हैं, वो तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए करे हैं, मगर इक्वल टू के इधर 6 पॉजिटिव नहीं है, उनको नहीं बैलेंस करना, बात समझ आई? तो पहले से आउट है, इक्वल टू के इधर अगर जो पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल टू के उधर पॉजिटिव चार्ज है, वो इक्वल है, समझ आ रही है? इक्वल टू के इधर नेगेटिव है, उसको आपने पॉजिटिव के साथ बैलेंस करोगे कि नहीं करोगे? क्या ये पॉजिटिव है? हाँ, तो OH नेगेटिव भी तो ऐड होते हैं, बेसिक मीडियम की बात करेंगे तब, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में हमारे पास क्या बचता है, एच पॉजिटिव ही तो बचता है, तो पॉजिटिव चीज के साथ बैलेंस आउट करोगे ना, समझ आई बात? नेगेटिव तो है ही नहीं आपके पास, नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन है, अगर नेगेटिव चार्ज बैलेंस करना है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन से कर दिया, अगर पॉजिटिव चार्ज बैलेंस आउट करना है तो H+ ही बचते हैं आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 3SN4 पॉजिटिव बने, 3SN2 पॉजिटिव बने,
और ये वाला चार्ज ये वाले से कैंसिल आउट हो गया। अब रिएक्टेंट की इस तरफ क्या है, 3SN2 पॉजिटिव, 1 क्रोमेट, 14H पॉजिटिव। प्रोडक्ट की साइड क्या आ गया, SN4 पॉजिटिव कितने, 3। तो हम अगर यहां पे मैं बैलेंस इक्वेशन लिखूं तो ये 3 हो गए, ये 1 हो गए, इधर हमारे 14H पॉजिटिव हो गए, और इधर हमारे 3 हो गए, और इधर हमारे 2 हो गए, और ये 7 वाटर हो गई, आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। किसका चार्ज कितना है, किसका टोटल चार्ज आप दे रहे हैं देख लो। तो बेटे एक क्रोमियम का 2 नेगेटिव का कितना हो गया पॉजिटिव 6, ये कितना हो गया पॉजिटिव 6, वहां पे 3 2 पॉजिटिव 12, इधर कितना हो गया पॉजिटिव 6, और इधर कितना हो गया 3 4 भाई ऑक्सीडेशन नंबर से +1 तक काम आना है, +2 में आपने पूछना भी नहीं वो कहां गया, नास्ट इक्वेशन होनी नहीं है अगर ये ना किया होगा तो। नास्ट इक्वेशन में भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर में भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पता ही नहीं चलते हैं, गेम ही खेलते रहते होगी, एक एक जी एक का ऑक्सीडेशन नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे का पहले से कर दो, फिर ज्यादा अगर आपके जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे वाटर कम है वाटर ऐड कर दो, फिर एच प्लस ऐड कर दो, आपको इलेक्ट्रॉन नहीं पता चलने, नहीं तो एन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती, समझ आ गई। अब एक और लिखो बेटे, नाइट्रेट, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है अपने आप लिखो, नाइट्रेट क्या होता है, NO3 नेगेटिव प्लस बिस्मत, बिस्मत 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 क्या होता है साइन, नाइट्रेट से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और Bi से Bi3 पॉजिटिव इन एसिडिक मीडियम, किसके ऊपर, Bi अपनी एलिमेंट्री स्टेट में इस टाइम, निकाल लो नाइट्रोजन का चार्ज, हरी अब नाइट्रेट में, हरी अब ऑक्सीडेशन स्टेट, लिख लिख के फाइंड आउट करोगे। ऑक्सीजन कितनी लगी हुई है, ऑक्सीजन कितनी लगी हुई है, 3 मतलब -6 इज +5, तो फिर आपने जेई की तैयारियां कैसे करनी है, ऐसे लिख लिख के इन चीजों के फाइंड आउट करोगे तो। इधर ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, -4 तो +4, अगर ये -4 है तो ये +4, ये दिख ही रहा है। चलो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस, चलो 2 सेल्स बनाओ हरी अब, हरी अब 2 सेल्स बना दो फटाफट, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन से, Bi, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज, रिडक्शन हाफ सेल कौन से, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो लॉस ऑफ,
अगर बी आई से बी आई थ्री पॉजिटिव बन रहा है तो कितने लॉस, थ्री। तो बस क्या करना, ऑक्सीडेशन अवसर में बिस्मस से बी आई थ्री पॉजिटिव प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं इन्वॉल्व होता, उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जब एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो एक एनोडिक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन चल रही होती है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में रिडक्शन चल रही होती है। समझ आ रही है? तो जिस सेल में, जिस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन चल रही होती है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन अवसर। ठीक है, जिसमें रिडक्शन चल रही है उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन अवसर। हम ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, जहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब इलेक्ट्रॉन तो होते ही बेटे नेगेटिव चार्ज है, और किसी में से अगर नेगेटिविटी बाहर जाएगी तो उसके ऊपर उतनी पॉजिटिविटी आएगी। समझ आ गई? जब किसी से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो तीन नेगेटिव बाहर गए तो उसके ऊपर तीन पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि उस प्रोटोन तो उतने ही रहे। अब जैसे सोडियम है उसमें 11 प्रोटोन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अगर आप बाहर निकाल देते हो प्रोटोन तो 11 ही रहे। वो जो एक एक्स्ट्रा प्रोटोन नजर आ रहा है ना, उसका पॉजिटिव चार्ज लिखते हो आप ऊपर, नॉन मेडिकल ऑक्सीजन। चलो रिडक्शन आंसर करो जल्दी। अरे आप, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस, अगर इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो कितने लिए होंगे, वन। अगर वन लिए तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है इस साइड, टू। तो कितने एच प्लस पॉजिटिव ऐड करोगे, कल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड गया था। कल नहीं वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, तो मैं बेसिक करवा ही नहीं रही अभी। ऑक्स मैंने पूछा उससे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करवाया था, वो जो कहते हैं जी उस मेथड में आप क्या करते होगे, इधर इसका इनका डिक्रीज करे, उससे ये मल्टीप्लाई कर दो, उससे ये मल्टीप्लाई कर दो, पढ़ लो। दूसरे से मल्टीप्लाई, वो जो इतने रहे होते तो पहले से मल्टीप्लाई, फिर जो आ गया जिधर जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड वाटर ऐड करने शुरू कर दो। दो मेथड होते हैं बेटे डॉक्स एक्शन बैलेंस आउट करने के लिए, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, या आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कर रहे हो। ठीक है, इसमें आपको ये भी पता चलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, और ये पता करने जरूरी है हमें, क्योंकि प्लस टू में आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं होनी थी। तो आपको इक्वेशन मिलेगी, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व निकालने होते हैं, वहां पे वैल्यू पुट करोगे। अगर ये मेथड नहीं आया ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो एक क्वेश्चन नहीं होना लास्ट इक्वेशन का आपसे। समझ आ रही है? और ये ढेरों रिएक्शन देखोगे आप डी ब्लॉक में, फिर आप याद करोगे सही थे, हो गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमें आता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का पता चलता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो वहां पे। समझ आ गया अब दोनों मेथड में फर्क? नाइट्रेट से हमने क्या बनाया, NO2। ये पॉजिटिव फाइव से क्या बना, पॉजिटिव फोर। इसका मतलब वन इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन।
अब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो 2H पॉजिटिव ऐड करें हम, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। अब इधर वाटर कितने ऐड हो सकते हैं, वन हो सकते हैं। क्या इक्वेशन बैलेंस लग रही है आपको? हाँ फिर 2H पॉजिटिव, पूरी रिमाइंड खत्म हो गई सीधा कहाँ। अरे भाई जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव एच पॉजिटिव नहीं ऐड करोगे? एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एक नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिविटी को बैलेंस आउट करने के लिए आपको दो पॉजिटिव नहीं चाहिए, और इधर तो कोई पॉजिटिव है ही नहीं है कि नहीं है? इधर पॉजिटिव नहीं है, तो इधर नेगेटिव को बैलेंस आउट करने के लिए 2 पॉजिटिव ऐड कर दिया आपने, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव है, अगर इधर कोई पॉजिटिव होता तो वो भी ऐड करते आप। प्रोडक्ट के साइड कोई पॉजिटिव चीज होती उसके लिए उतने एच पॉजिटिव ऐड करते आप। लिख लो ऊपर, रिएक्टेंट के साइड जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके लिए हम एच पॉजिटिव डालते हैं, और प्रोडक्ट के साइड का पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, उन दोनों का प्लस करके हम उतने एच पॉजिटिव ऐड कर देते हैं। आई बस हम एक ही साइड हो रेक्टेंट, बेटे सी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज जस्ट टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट्स इट। ठीक, इट डजंट टेल यू द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ सेल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस विल कम इन क्लास 12। ओपन द बुक ऑफ क्लास 12, वी आर हैविंग सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ओपन द बुक ऑफ क्लास 12, सी पी ब्लॉक, सी डी ब्लॉक, आपको खुद पता चल जाए। सारी इक्वेशन इसी मेथड की लिखी हुई, आपको कोई पूछ ले कि इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड हैं, तो आप कैसे जवाब दोगे? आप इस मेथड से इलेक्ट्रॉन भी पता कर रहे हो, आपने एच पॉजिटिव भी पता कर रहे हो, वाटर भी पता कर रहे हो, इक्वेशन को बैलेंस भी कर रहे हो। क्या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है कहीं से? इस मेथड में सब कुछ पता चलता है। एच प्लस, हाँ अभी 3 करते हैं, हाँ अभी करते हैं। अब ये कितने हैं, 3। अब दोनों को ऐड करना है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे फिर इक्वेशन को ऐड करो, जल्दी करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट अस कम टू बेसिक मीडियम, लिखा ही नहीं मैंने कोई, खुद ही बना देती हूँ। फेरस टू फेरी कर लिया, ऑक्सैलिक एसिड लिखो, चलो देखते हैं होता कि नहीं बॉयलेंस हमसे। ऑक्सैलिक एसिड में पोटेशियम पर मैंगनेट डाल लो। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ट्वाइस COH ट्वाइस लिखो। COH
किसको? पोटेशियम परमैंगनेट लो, इसका प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और Mn2 पॉजिटिव, और ये भी एसिडिक मीडियम वाली होती है। पेन चलो करो अपने। और भी देखो अगर मिलती निकल गई सबकी ऑक्सीजन नंबर। पहले ऑक्जैलिक एसिड का आई विल सी द फाइनल प्रोडक्ट क्या है। ऑक्जैलिक एसिड ऑक्सीडेशन नंबर बोलो जल्दी, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ऑक्जैलिक एसिड में? अरे आप वो तो दो कार्बन का आएगा। कितना है आपको? अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ, अच्छा एक COH बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाओ। चलो अकेले एक COH लिखना, क्या बनता है आपका? ओपन करो इसको, उसने सही निकाला, आप आगे बढ़ो, आपका सही निकला। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ही नहीं बता अभी तक। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर आधी इंट वहां पे मिल जाती है।
ये भी आएंगी फोन में लिखना चाहिए। निकल गया। बेटे सी, अगर मैं आपको ऐसे बना के बताऊं तो ये कार्बन एक तो यहां से लिंक है, दो यहां से लिंक है, ये तो सेम कार्बन है ना। समझ आ रही है? कुछ आई? टग ऑफ वॉर चल रहा है, इसने खींच लिया कि इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, इसने खींच लिया, +3 आगे की नहीं आई। ये तो सेम कार्बन है, समझ आ गई है? और ये इक्वेशन जब बैलेंस करनी आएगी तो ये हाइड्रोजन नहीं गिवन होगा, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड वाटर में जाके ये भी एच पॉजिटिव दे रहे हो। समझ आ रही है? +2 कैसे निकालना? ठीक है, ये ऐसे लिखा आता है, ऐसे यहां पे नेगेटिव, जैसे इसका हम K गायब कर देते हैं, इसका H गायब है, क्योंकि ये वाटर में जाके डिसोशिएट कर जाता है, और ये H पॉजिटिव अलग से लिखा आता है यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे लिखो, फिर बैलेंस करो। चाहे वाटर भी ना लिखो, वैसे वाटर लिखा आएगा, हर तरीके से कंफ्यूज करते हैं। या तो लिखेंगे इन एसिडिक मीडियम, ध्यान से सुनो, कोई भी बैलेंसिंग आएगी, या आपको ऑलरेडी एच प्लस और वाटर लगा के देंगे, दोनों टाइप की आनी चाहिए आपको। ठीक है, वहां पे अगर एच प्लस लगाएंगे तो यहाँ वाटर दिखाएंगे, अगर वहां पे एच प्लस नहीं दिखाएंगे तो यहाँ वाटर नहीं दिखाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इन एसिडिक मीडियम बोलूंगी तो ये ऐसे आएगी। अगर मैं आपको वैसे बताना चाहती हूँ कि एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो मैं यहाँ पे वाटर, वहां पे एच पॉजिटिव बता दूंगी। समझ आ रही है? चलो करो, 8th के बच्चे एंटर होने शुरू हो गए, 1 मिनट रह गए, जल्दी करो। तो ये हमने क्या सीखा, ये पॉजिटिव 3 से कहाँ गई, खुद करना। अब ये पॉजिटिव 3 से कहाँ गई, +4। ये क्या 30 में से कहाँ गई है, इसकी क्या हुई है, इसकी क्या हुई है, दो सेल बन जाएंगे, बना दिए, करके आना बैलेंस। मैंने